गुड मॉर्निंग विकास, चंद्रकांत, प्रियव्रता, अनुराग, अल्केश। ठीक है, आज से हम लोग एक नया कोर्स यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये शो हो रहा है सभी को? सभी को शो हो रहा होगा, और जिसका हो सकता है अदर साइड से नेटवर्क इशू होगा तो प्रॉब्लम तुम लोग की ओर से हो रहा है। किसी को साउंड में कुछ दिक्कत हो रहा है? मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? हाँ, देखिए विनी जो ग्रुप में मैसेज किया हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टेक्निकल। क्या प्रॉब्लम हो रहा है विनी? हेलो। हाँ, हो गया स्टार्ट। हाँ, रेगुलर ठीक। हाँ ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है, सभी किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, क्या क्या है माइंस में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, मतलब ये टॉपिक आखिर में मतलब स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक? क्योंकि अगर माइंस में हीट या ह्यूमिडिटी कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल तो रहता ही है, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो है कि वर्कर लोग फुल इफिशियंसी के साथ है ना वो काम नहीं कर पाए, या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, या एक्सेसिव हीट या एयर वेलोसिटी बढ़ जाए, तो किसी भी केस में वर्कर लोग जो है जो जिस कंफर्ट के साथ काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाएगा, उसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी वो फेस कर सकता है। और ये जो टॉपिक है ये हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आ जाए वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का तो आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, साथ में यहां से न्यूमेरिकल आने की चांसेस है। और एमसीक्यू, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है अभी कि यहां से तीनों चीज की आने के चांसेस है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ ही सकता है। ऐसा आ जाएगा क्या क्वेश्चन में कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट है ना इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगा। न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल में आ जाता है कि हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन में न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल हीट फ्रॉम रॉक, यहाँ से इस जगह से न्यूमेरिकल बन जाता है। और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है कि जियो थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, इंडियन कोल फील्ड का जियो थर्मल ग्रेडियंट क्या है, तो ये सारा चीज इसमें डिटेल्स में कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो नीचे जो ऑप्शन आता है ना, नीचे एक हैंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, उसके बगल में है इंड क्लास करने का, उसके मतलब अगर लेफ्ट से राइट से देखोगे तो सेकंड नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है ना इधर से लेफ्ट साइड से, फर्स्ट सेकंड सेकंड नंबर ऑप्शन में, तो वहां से मैसेज करके कोई भी कुछ पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है ना, हैंड रिक्वेस्ट करने से आता है कि एक्सेप्ट करने के बाद ये होता है कि वहां से तुम कुछ बोल कर पूछ सकते हो।
तो ज्यादा कोशिश करना है कि मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लेना, कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज कर कर। हाँ, ये जो नोट्स है ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, फिर तुम लोग साथ में अपना पेन और पेपर लेकर, पेन और कॉपी लेके बैठो, कि जो जो इम्पोर्टेंट बताया जाएगा वो नोट कर लेना है, ठीक है ना। दीपक, ये वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा इसलिए, क्योंकि इधर से कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं, दोस्त लोग के साथ शेयर करो, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग माइनिंग ज्ञान के साथ जुड़ सकें। हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लो अभी बहुत सारे लोग कोर्स परचेज किए हुए हैं, बहुत लोग जॉब करने वाले भी थे, तो उनका क्या है कि रिकॉर्डिंग मतलब लाइव क्लास मिस हो जा रहा है। तो ये जो क्लास जब कंप्लीट होगा ना, तो उसके 1 घंटे का अफ्तर, एक मतलब 1 आवर और 2 आवर, 1 से 2 घंटे के अंदर क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग जो लाइव क्लास होता है ना, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल हो जाता है, तो जो मिस कर गया है वो देख सकते हो। या तुम लोग भी मान लो कुछ है कि रिविजन करना है, तो दोबारा तुम लोग वीडियो देख सकते हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं। और बाकी और किसी भी तरह का किसी को प्रॉब्लम होता है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना ही दिया गया है, या कॉल पे तो अवेलेबल रहते ही है। हाँ, किसी टाइम बिजी रहते हैं तो उस टाइम रिसीव नहीं कर सकते हैं, बाकी कॉल तो रिसीव करते ही है। और मैसेज कर देना, मैसेज में रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हाँ, नोट्स भी मिल जाएगा। अच्छा, उसका भी कुछ उपाय करेंगे निर्मल। अच्छा, जो जो एक ग्रुप में ऐड नहीं हो ना, मेरा नंबर तो सभी के पास है ही, एक बार और से अपना नंबर बता दे रहे हैं, 7004-8178। इस नंबर पे मैसेज कर देना किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्लास के बाद ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं, नमस्ते प्रशांत, कि हीट हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर का, कि अंडरग्राउंड में जो हीट इंक्रीज हो रहा है या हीट बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। तो पहला क्या है, हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर। सेवन डबल जीरो डबल फोर 81782, ठीक है, ये मेरा नंबर है। ये पॉइंट लिखा हुआ है, मान लो क्लास में भी लॉन्ग टाइप्स ये जो क्लास चल रही है, अगर मैसेज हो जाती है तो इसका लिंक दीजिएगा, अगर मिस हो जाती है इसका लिंक दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, वो लिंक अवेलेबल हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम लोग जब भी ऐप स्टोर अपना ओपन करोगे ना, तो वहां पे वो क्लास शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी स्टार्टिंग में बहुत लोग फर्स्ट टाइम है, इसलिए उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही चलना है और बस रिजल्ट अच्छा करना है। कहाँ यार, 9 डिजिट कहाँ हो रहा है, 7004-44 है, 81782 है, तो 10 डिजिट ही है चंद्रकांत। वीक में अभी डेली क्लासेज होंगे अभी, है ना, इस क्लास के बाद एक जीके की क्लास होगी। डेली मिनिमम 2 आवर की क्लास तो अभी होगी स्टार्टिंग में। मिनट, कोई स्टूडेंट ही फोन कर रहा है। हेलो, अच्छा वो क्या कोर्स लिए हो या ट्रायल क्लास वाले में देखना चाह रहे थे। अच्छा, ट्रायल क्लास आज हो नहीं पा रहा, उसका वीडियो है ना, 1 घंटे के बाद वीडियो मिल जाएगा, वो बता देंगे 1 घंटे बाद फोन करना। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं।
डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या है? फर्स्ट में है हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर, सेकेंड में क्या है हीट फ्रॉम रॉक, कि अंडरग्राउंड माइंस में जो रॉक होता है ना, जो स्ट्राटा है उसके द्वारा भी हीट रिलीज होता है, तो वो हो गया। थर्ड में क्या है हीट फ्रॉम मैन, जो आदमी लोग वहाँ पे जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं ठीक है ना, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मसल बसल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके कारण जो हीट रिलीज हो रहा है वो सब भी कंट्रीब्यूट करता है कि माइंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में। जो भी मशीनरी वहाँ पर ऑपरेट होता है, या फैन हो गया, या हॉलेज कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड कोई भी ड्रिल मशीन वगैरह हो गया, या डीजल लोको हो गया, वो सब के कारण भी अंडरग्राउंड माइंस का हीट जो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जो डिफरेंट सोर्सेज जो हम लोग लाइटनिंग के लिए जो हम लोग बल्ब वगैरह यूज करते हैं ना, उसके थ्रू भी हीट रिलीज होता है, या हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज करते हैं उसके द्वारा भी माइंस में हीट रिलीज होता है। एक मेजर जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो है क्या, हीट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। मतलब क्या स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जिस सिम में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि सी प्लस ओ टू, अगर कंप्लीट कंबसन होता है तो सीओ टू बनता है प्लस हीट होता है, या अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ठीक है ना। तो उस केस में भी ऑक्सीडेशन जब होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, तो उस केस में भी हीट रिलीज होता है। ब्लास्टिंग जब हम लोग करते हैं, हाँ, डिफाइन अभी हम एक पॉइंट ही बताए हुए कि हाँ ये पॉइंट इसके अंदर है, बाकी डिटेल पढ़ने वाले हैं है ना, ये डिटेल प्रॉपर बताया जाएगा। मतलब जिस तरीके से लिखा हुआ है एग्जाम में भी, अगर ये मतलब लॉन्ग टाइप्स आंसर क्वेश्चन में आ रहा है ना ये, तो इसी तरीके से पहले पॉइंट लिख देना है कि इस फैक्टर के कारण अंडरग्राउंड में हीट या टेम्परेचर जो भी है उसका फैक्टर है, हीट का जो मतलब अंडरग्राउंड में क्या क्या सोर्सेज है, ये सारे सोर्सेज है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पॉइंट बाय पॉइंट करना है ठीक है ना। तो एग्जाम में क्या है कि ये तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में। अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है, कोयला हो गया कार्बन प्लस ओ टू जो ऑक्सीजन मिलता है ठीक है ना, तो सीओ टू प्लस हीट जनरेट होता है। ये जब कंप्लीट कंबसन होता है, और जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो उस केस में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन जो मिलके है ना, सीओ टू ना मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं ठीक है ना। तो ये जो वेंटिलेशन या इन्वायरमेंट में जो पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड माइंस में कहाँ कहाँ से आता है, तो जिस टाइम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंबसन होता है तो उस टाइम भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है माइंस में ठीक है। ब्लास्टिंग के कारण होता है ये हीट काउज्ड बाय रॉक मूवमेंट, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, कि मान लो हम लोग डिप्लेयरिंग विथ केविंग कर रहे हैं ठीक है ना, जैसे मान लो बोर्ड एंड पिलर मेथड। अब ये क्या है, गैलरी से जो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पिलर डेवलप था, अभी पिलर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि ऊपर का जो एरिया है वो सब्सिडेंस हो जाता है, उसका नीचे फॉल हो जाता है, रूफ फॉल होता है, जो रूप फॉल मतलब क्या लोकल फॉल मेन फॉल वगैरह जो भी होता है, उसके कारण क्या होता है ये रॉक का मूवमेंट होता है ना, तो उसके द्वारा भी आपस में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण भी हीट रिलीज होता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। और लास्ट में क्या है, हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन, कि जो भी डाउन कास्ट, एक होता है डाउन कास्ट शाफ्ट, एक क्या होता है अप कास्ट शाफ्ट ठीक है। तो डाउन कास्ट शाफ्ट से जो भी एयर जा रहा है ठीक है ना, और मान लो उसी में केज लगा हुआ है,
उसके द्वारा क्या हो कि जो भी एयर जा रहा है वो इसके द्वारा कंप्रेस्ड किया जा रहा है, तो उस केस में भी हीट का एडिशन होता है। तो ये सारा पॉइंट हो गया है कि हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट में ये पॉइंट लिख देना है और उसके बाद सभी के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर। इसमें क्या है कि मान लो ये इनक्लाइन हो गया, ठीक है, या शाफ्ट हो गया, तो क्या होता है, मान लो ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। जैसे नॉर्मली गर्मी के दिन में देखना 45 डिग्री, 46 डिग्री, 44 डिग्री जो भी है, ठीक है ना। तो ये जो एयर यहाँ से इंटरिंग कर रहा है माइंस में, जो एयर जा रहा है, ठीक है ना, तो एयर जा रहा है तो क्या है, ये जो टेम्परेचर हीट भी अपने साथ कैरी कर रहा है, तो हीट को भी लेके क्या है माइंस में जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ हीट हो रहा है अंडरग्राउंड माइंस में। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ भाई, सरफेस एयर इंटरिंग द माइन एयर कैन कैरी विथ इट सम हीट इफ द सरफेस टेम्परेचर इज हाई कंपेयर टू द अंडरग्राउंड टेम्परेचर। क्योंकि हमेशा हाई से लो का ही ट्रांसफर होता है टू, अगर मान लो दोनों जगह का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस नील हो जाएगा, इधर का यहाँ का टेम्परेचर अंडरग्राउंड का और सरफेस का, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मान लो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक लो टेम्परेचर में होना चाहिए और एक हाई टेम्परेचर में होना चाहिए। तो क्या है, अगर अंडरग्राउंड का टेम्परेचर लो है और सरफेस का टेम्परेचर हाई है, सरफेस जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है, तो उस केस में क्या है कि जो एयर जो जा रहा है अंडरग्राउंड माइंस में, वो क्या करेगा, अपने साथ यहाँ से हीट को भी लेकर जाएगा, इसके द्वारा वो अंडरग्राउंड माइंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट सभी को, किसी को डाउट? उसी तरीके केस में शाफ्ट के भी केस में सिमिलर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें, कि हाई टेम्परेचर ऑफ जो सरफेस एयर है, जो अंडरग्राउंड माइंस के बाहर का जो खुला जो एटमोसफेयर है, उसमें वो कैसे एडिशन ऑफ हीट कर रहा है? क्लियर है सभी को? किसी को कोई कमेंट करो, किसी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ अनुराग, क्लियर हो गया। स्क्रीन जिसका व्हाइट शो हो रहा है ना, वो एक बार फिर से बाहर आके दोबारा लॉगिन अंदर आओ, लॉगिन करो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बैक करके दोबारा से आ जाओ, हो जाएगा सारा जी। ठीक है, हाँ एग्जिट करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। संदीप पाल, संदीप पाल डाउट है क्या है, बताया ना कि टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर का फ्लो कब होता है या हीट ट्रांसफर कब होता है, एक हाई में रहेगा एक लो में रहेगा। तो मान लो कि सरफेस का टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर है सरफेस में, और ये शाफ्ट हो गया, ये अंडरग्राउंड माइंस हो गया, ठीक है ना, ये इधर अंडरग्राउंड माइंस चल रहा है, ये टेम्परेचर क्या हो गया, लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, जो भी एयर अंडरग्राउंड में जा रहा है ना, जो भी एयर अंडरग्राउंड में जा रहा हो, क्या होगा, अपने साथ ये हीट कैरी करेगा, और वो हीट कहाँ ले जा रहा है, वो अंडरग्राउंड माइंस में जा रहा है, सर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं, क्या है, हीट ड्यू टू ब्लास्टिंग। मतलब माइंस में जब ब्लास्टिंग होता है तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में पूछे। क्या पूछा सर, ह्यूमिडिटी भी हाई टेम्परेचर में डिपेंड करता है। हाँ, ह्यूमिडिटी वगैरह का भी हम नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाएंगे, क्लियर करेंगे वो ह्यूमिडिटी वगैरह के बारे में।
आरएच क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। अगर कोई मान लो कोलकाता को हो गया, ठीक है ना, कोलकाता हो गया, मैं सी बीच के नजदीक वाला एरिया में, या कोलकाता में हुगली नदी है इसके कारण, या कोई मुंबई वगैरह का हो गया, चेन्नई, तो उधर वही ह्यूमिडिटी का मेन खेला है। जो भी सारा प्रॉब्लम होता है ना, वो ह्यूमिडिटी के कारण होता है। ये हम ह्यूमिडिटी का जो है नेक्स्ट, ये जब कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो ह्यूमिडिटी के बारे में होगा, ठीक है ना। तो वहाँ को डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। सेकेंड में क्या है, हीट ड्यू टू ब्लास्टिंग। जब अंडरग्राउंड में हाई हो और सरफेस में लो हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मान लो वो जो एग्जॉस्ट एयर है ना, जैसे मान लो एक इनटेक एयर होता है, एक रिटर्न एयर वे होता है। ये इनटेक एयर वे हो गया और ये रिटर्न एयर वे हो गया। अब क्या बोल रहे हो, क्या सरफेस का टेम्परेचर लो हो गया है, अंडरग्राउंड का टेम्परेचर हाई हो गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं उसके समय, एयर वेलोसिटी वगैरह इंक्रीज करके कोशिश करते हैं कि वो जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर हम लोग माइंस में होने ही ना दें। और जो भी अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो रिटर्न एयरवे के थ्रू, एयर के थ्रू भी क्या हो सकता है, सरफेस की ओर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हीट का ट्रांसफर होता है वो हाई से लो की तरफ होता है, ये माइंड में रखना, ये बचपन से सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें क्या है, ये दो जो था, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च किया हुआ है, इविंग एंड इगेन, वो क्या एस्टिमेट किया हुआ है कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, और उससे अगर हम लोग 1,01,600 टन एक मंथ में अगर इतना मटेरियल ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना मटेरियल हम लोग को मिल रहा है कोयला मान लो, तो उस केस में क्या है, इतना जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है ब्लास्टिंग के कारण, 300 मतलब 316.5 मेगा जूल, मतलब 10 to the power 6 जूल पर आवर ऑन एन एवरेज, इतना जूल एनर्जी एक घंटे में मतलब रिलीज होता है। अगर हम लोग एक मंथ में 1,01,600 टन कोयला ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इतना कोयला हम लोग वहां से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ब्लास्टिंग के कारण जो एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके कारण जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो 316.5 into 10 to the power 6 जूल एक घंटे में इतना एनर्जी रिलीज होता है ऑन एन एवरेज। लेकिन क्या होता है कि जो ब्लास्टिंग होता है वो तो हमेशा लगातार शिफ्ट में तो ब्लास्टिंग होता ही नहीं है, एक शिफ्ट मान लो एक बार हुआ, दो बार हुआ, ठीक है ना। तो ब्लास्टिंग क्या होता है, ब्लास्टिंग किसी टाइम लिमिट के लिए कन्फाइंड होता है कि एक दिन में कुछ ही घंटे के लिए ब्लास्टिंग होता है। ब्लास्टिंग इज कन्फाइंड टू एन आवर और सो पर डे। तो उस केस में क्या होता है, तो जिस टाइम में ब्लास्टिंग होता है उस टाइम जो हीट रिलीज होता है ना, वो 5.32 6.3 गीगा जूल। गीगा मतलब कितना हो गया, 10 to the power 9 हो गया। 1 गीगा कितना होता है, 10 to the power 9 जूल होता है, मतलब इतना एनर्जी रिलीज होता है, मतलब इतना हीट का एक तरीके से बोलो एडिशन हो रहा है। इसमें क्या बताया फर्स्ट केस में, ये जो रिसर्चर था, ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, डिफरेंट डिफरेंट माइंस में जाके, मान लो फॉरेन का डिफरेंट डिफरेंट माइंस में, इंडियन किसी भी कहीं भी माइंस में वो जाकर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारा ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया है, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर, मतलब इस रिजल्ट पे आया है कि हम लोग एक महीने में अगर 1,01,600 टन कोयले का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ऑन एन एवरेज पर आवर जो हीट रिलीज होता है एक मंथ में, वो 316.5 मेगा जूल होता है। लेकिन क्या बोला जाता है कि जो ब्लास्टिंग होता है वो ब्लास्टिंग वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है क्या, सतीश, के अनुराग, विनीत, या क्लियर आ रही है ये बताओ। सही है ना, तो ठीक है। ये कमेंट सानू, सानू ही पूछ रहे हो ना, वो उधर से प्रॉब्लम है सानू,
नेट का तुम्हारा इशू है इसलिए। ठीक तो क्या है जो एक्चुअल हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना जिस टाइम में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मान लो कि माइंस में ब्लास्टिंग किसी शिफ्ट में मान लो 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच हो रहा है ब्लास्टिंग एक शिफ्ट में, ठीक है ना। तो उस केस में जो उस टाइम में जो हीट जो रिलीज हो रहा है ना वो 5.32 6.3 GJ रिलीज हो रहा है। अब इसमें से क्या हो रहा है जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एनर्जी क्या कर रहा है, कुछ तो रॉक को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, कुछ क्या हुआ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और एक एनर्जी कहाँ बर्बाद हो जाता है, नॉइज वगैरह जो क्रिएट होता है ना उसमें एनर्जी बर्बाद हो जाता है। ये एक वैसे एक एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो हम बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को। कि जब भी ब्लास्टिंग होता है ना तो ये जो एक्सप्लोसिव एनर्जी जो रिलीज होता है ब्लास्टिंग के बाद क्या एनर्जी रिलीज होता है, इसका मात्र हम लोग है ना 20 से 30% जो एनर्जी होता है वो सिर्फ यूज होता है कि इसमें ब्रेकेज ऑफ रॉक में, मतलब तो रॉक ब्रेकेज में जाता है, और बाकी जो एनर्जी बच रहा है 70 to 80% वो बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो वेस्ट एनर्जी होता है उसके कारण ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक मतलब बेकार मौसम होता है। मतलब क्या है कि अभी के टाइम में एक्सप्लोसिव पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है और रिसर्च करने का जरूरत है, क्योंकि जो भी एक्सप्लोसिव मान लो अगर हम लोग 1000 kg एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं ना, और ये मान लो जितना भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, मान लो अगर ये 10 MJ एनर्जी रिलीज कर रहा है तो 10 MJ का हम लोग 20 से 30% ही मात्र हम लोग यूज कर पा रहे हैं रोक ब्रेकेज में, बाकी सारा वेस्ट हो जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हीट ड्यू टू ब्लास्टिंग हुई तो इसलिए है क्या कि जो इतना ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है ना और साथ में वहां पे नाइट्रस फ्यूम्स वगैरह भी रिलीज होता है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये जो बोला जाता है कि ब्लास्टिंग के कारण है ना जो फ्यूम्स रिलीज होता है जो सफोकेटिंग ऑर्डर का होता है वो कौन सा फ्यूम्स होता है, वो नाइट्रस फ्यूम्स होता है, जिसको एक तरीके से क्या खासी गैस या हिंदी वाले जो समझ में आ रहा हो खासी गैस भी बोला जाता है, ठीक है ना, नाइट्रस फ्यूम्स। और ये क्या होता है रेडिस ब्राउन कलर का होता है, रेडिस ब्राउन कलर। जब भी ब्लास्टिंग होगा तो देखना जो भी कोई फील्ड के होगा तो ब्लास्टिंग में जो फ्यूम्स रिलीज होता है ना ये बहुत एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है वो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, वो क्वेश्चन नहीं आएगा विवेक, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ओपन कास्ट एसी में आ जाते हैं तो फ्लाई रोक हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और हीट तो रिलीज होता ही है, वही हीट के कारण ये सारा प्रॉब्लम। तो ये हीट ड्यू टू ब्लास्टिंग हो गया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इतना लिखना होगा, ठीक है ना। और ये जो रिसर्चर का नाम देने से क्या होता है कि थोड़ा इफेक्टिव होगा कि हाँ चलो लड़का पढ़ के आया है अच्छे से लिखा होगा, ठीक है ना। बस ज़्यादा लिखना नहीं है, इतना ही लिख देना, क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सभी के बारे में लिखना है। तो ये क्लियर हो गया हीट ड्यू टू ब्लास्टिंग, हाँ इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा।
अब थर्ड में आते हैं कि हीट फ्रॉम लाइट्स, ये अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग बताए ना कि लाइटिंग के लिए जो बल्ब वगैरह यूज करते हैं, या हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो गैस वगैरह जांच करने के लिए लेके जाते हैं, तो उसके कारण भी हीट रिलीज होता है। तो क्या बोलता है कि दिस बिकम्स सिग्निफिकेंट, अगर हम लोग कार्बाइड लैंप यूज करते हैं ना अंडरग्राउंड माइंस में, सेफ्टी लैंप जिसमें हम लोग एसओ सेल सॉल्वेंट डालते हैं, अगर हम लोग कार्बाइड लैंप यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो हीट रिलीज होता है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये कुक थे, कुक जो फिर से बोलो रिसर्चर थे, जो रिसर्च किए हुए हैं, वो रिसर्च क्या किए हुए हैं कि ये कोई कार्बाइड लैंप है, अगर वो 156 ग्राम एक शिफ्ट में कार्बाइड, अगर पर शिफ्ट में है ना, अगर इतना कार्बाइड कंज्यूम हो रहा है, मतलब फ्लेम सेफ्टी लैंप है ना, जिस तरीके से फ्लेम सेफ्टी लैंप है, तो फ्लेम सेफ्टी लैंप के बदले अगर हम लोग कार्बाइड लैंप यूज, पहले के टाइम होता था कार्बाइड लैंप वगैरह यूज करना, लेकिन अब वो सब डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो उस केस का था कि अगर 156 ग्राम ऑफ कार्बाइड अगर कंज्यूम कर रहा है वो लैंप एक शिफ्ट में, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, या बोलो पावर जो रिलीज हो रहा हो, क्योंकि पावर का क्या होता है, वाट होता है यूनिट, और वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कितना पावर वो लाइट रिलीज करता है, कार्बाइड लैंप रिलीज करता है, 96.5 जूल ऑफ हीट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 96.5 जूल वो हीट रिलीज करता है, वाट, ठीक है ना। ऑल दो अब क्या था, अदर जो रिसर्चर आया वो जीप करके था, जीप पे, वो क्या किया कि जो कार्बाइड लैंप से जो रिलीज होता है पावर, हीट जो रिलीज होता है पर सेकेंड, वो और ज्यादा जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये तो 96.5 में ये बोलता है कि 204.7 वाट पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड। वाट मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, ये पावर का यूनिट है, ठीक है ना। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है ना। तो वर्क का एनर्जी जूल होता है, टाइम का सेकेंड हो गया, तो ये दोनों क्या बोल सकते हैं, वाट ही बोल सकते हैं। जब कार्बाइड लैंप को फुल ब्राइटनेस में एकदम फुल करके जलाएंगे उसे, तो उस केस में जो हीट रिलीज होता है वो 204.7 वाट तक होता है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल ले लो, ये सभी लोग अंदाजा लगा पाओगे, ये जो कैंडल होता है ना, जो मोमबत्ती हम लोग यूज करते हैं घर में, वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 25 to 35 जूल। अब ये देखो कैप लैम्प कितना कम एनर्जी रिलीज करता है, एन इलेक्ट्रिक कैप लैम्प एक ही बार होगा, वो मात्र 2.6 जूल एनर्जी रिलीज करता है। तो यही सब के कारण क्या था कि कार्बाइड लैम्प है ना, कार्बाइड लैम्प से सही से गैस का पता भी नहीं चल सकता था, मीथेन वगैरह का, वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा था, और साथ में हीट का एडिशन बहुत ज्यादा होता था माइंस में, हीट का एडिशन, इसलिए क्या किया गया, या कार्बाइड लैम्प क्या था कि साथ में माइंस में काम करने के टाइम में ना, एक तरीके से लाइटिंग के पर्पस के लिए भी यूज होता था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक कैप लैम्प के थ्रू। और वो कितना एनर्जी मात्र रिलीज करता है, 2.6 जूल एनर्जी, ठीक है। और ये जो हम लोग घर में जो ऑर्डनरली इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं ना, वो 40 जूल, ये होता है ना 40 वाट, 10 वाट, 9 वाट, जैसे जैसे जितना वाट का रहा उसके अनुसार वो वोल्टेज करंट के बेसिस पे हीट रिलीज करता है। तो ये हो गया हीट फ्रॉम लाइट्स। तो एग्जाम में ऐसा लिखना होगा कि ये मेन है, कि ये जरूर लिखना होगा है कि ये जो रिसर्चर थे कुक और जीप करके जो हैं, कि इनका क्या कहना था कि जो भी अंडरग्राउंड माइंस में लाइट के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस बार, ठीक है, क्लियर है। ये मान लीजिए कि लॉन्ग वाले में बहुत ज्यादा चांस भी आई है, आने का चांस बहुत ही ज्यादा है लॉन्ग आंसर टाइप में, और जितना बता रहे हैं बस वही लिखना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हीट ड्यू टू ऑक्सीडेशन।
तो इसमें क्या है, दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ हीट इन कोल माइंस, पार्टिकुलरली इन सिम लाइबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। जिस सिम में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांस होता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल रिजल्टिंग इन इट्स इग्निशन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट। मतलब हम लोग कोई भी बाहरी हीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट मतलब हम लोग एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और अगर कोयले में आग लग जा रहा है, सेल्फ हीटिंग हो जा रहा है कोयले में, सेल्फ हीटिंग ऑफ ए कोल रिजल्टिंग इन इट्स इग्निशन, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोला जाता है। कुक का एक्सप्लेन करें। अच्छा, सुभाषिस आते हैं उसमें, ठीक है ना? पहले एक बार ये कंप्लीट करते हैं, हीट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, फिर उसमें जाते हैं कुक क्या बोला हुआ है, ठीक है? तो बहुत बार एग्जाम में यही होता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का डिफिनेशन ही आ जाता है। ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग थोड़ा डिटेल में बता दिया जाएगा कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता किस रीजन से है, ठीक है ना? कैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है? क्योंकि मान लो हम लोग सरफेस पे अगर एक कोयला रख रहे हैं, उसमें आग नहीं लग रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड में कोयला है तो उसमें आग लगने का चांस है। और सरफेस पे अगर हम सिंगल पीस ऑफ कोल रख रहे हैं तो हो सकता है कि आग ना लगे, उसमें क्यों नहीं लगता है? तो वो सारा एक क्लास में हम सेपरेटली अच्छे तरीके से स्पॉन्टेनियस हीटिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है ना? तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है, जिस सिम में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांस है, तो एक तरीके से मेजर सोर्स हो जाएगा किस चीज का, हीट का। किसी भी माइंस में जो हीट का एडिशन होता है ना, तो उसमें 80 से जो 85% होता है, 80 to 85% ऑफ जो हीट एडेड होता है ना, वो इसी स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण होता है। जब भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा तो क्या होगा, C+O2 होता है, यहाँ पे CO2 फॉर्म होता है, CO फॉर्म हो जाता है, हीट फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना? इस तरीके से इस केस में क्या बोला है, ये जो हेल्डन है ये क्या बोला हुआ है कि अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 0.1% से डिक्रीज कर रहा है, ये साइन जो नीचे का एरो दिए हैं मतलब डिक्रीज हो रहा है, और अगर ऊपर का कभी साइन देंगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 0.1 से डिक्रीज हो रहा है इनटेक एंड रिटर्न एयरवे के बीच में, हम लोग क्या करेंगे? मान लो इनटेक एयर में एक हो गया इनटेक एयरवे, ठीक है ना, एक हो गया रिटर्न एयरवे, ये इनटेक हो गया, ये रिटर्न एयरवे हो गया, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ मेजरमेंट कर लेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ मेजरमेंट कर लेंगे, इस तरीके से पता कर लेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का कितना कंजम्पशन हुआ है। तो ही बोल रहा है कि अगर 0.1% से ऑक्सीजन का परसेंटेज डिक्रीज होगा ना, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा माइंस का, वो 7 केल्विन्स होता है। ये MCQ में भी ये क्वेश्चन आता है, देखना कहीं तुम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी बुक का, तो वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है 0.1% से अगर डिक्रीज होता है, तो जो टेम्परेचर होता है ना माइंस का, वो 7 केल्विन या 7 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना? 7 डिग्री भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है डिग्री में और डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, वो दोनों सेम होता है। ठीक है, ये था मेन फैक्टर क्या, ऑक्सीडेशन के कारण जो माइंस में हीट आ रहा है। इसमें सीधा लिखना है ये जो फर्स्ट लाइन है कि मेजर सोर्स ऑफ एडिशन ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज स्पॉन्टेनियस हीटिंग, और लिख देना कि यहाँ कितना चांसेस होता है कि 80 से 85% जो हीट रिलीज होता है अंडरग्राउंड माइंस में जो आता है, वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण ही आता है। इसमें क्या किए हम लोग, नेग्लेक्ट कर दिए हैं क्या, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय मैन एंड फ्लेम सेफ्टी लैम्प। कि मान लो आदमी लोग वहाँ पे काम कर रहा है तो भी तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है,
तो वो चीज इसमें नेग्लेक्ट किए हुए हैं। सेकंड में क्या नेग्लेक्ट किए हुए हैं कि जो सेफ्टी लैम्प जल रहा है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है, तो सेफ्टी लैम्प अगर जल रहा है तो वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है वो चीज को क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट किए हैं। और इसमें क्या काउंट किए हुए हैं कि जो भी सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग में ही जा रहा है। एज्यूमिंग ऑल द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन ए माइन टू बी यूटिलाइज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। ठीक है, गौरव कुमार मंडल प्लीज रिपीट। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, क्या दिक्कत आ रहा है गौरव? एक कौन पूछ रहा था अभी इधर, सानू या कौन पूछ रहा था कि कुक क्या बताया हुआ है ना? कुक ये बताया हुआ है कि जैसे मान लो हम लोग माइंस में अगर फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, केरोसिन यूज कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में यूज करना चाहिए वो एसओ सॉल्वेंट, कुछ इसका नंबर दिया हुआ है ना, 1400 कुछ दिया हुआ, वो यूज करना चाहिए फ्लेम सेफ्टी लैंप में। या हम लोग कैप लैंप जो यूज कर रहे हैं, कैप लैंप, तो उसमें क्या होता है, बेड सिल्वर फ्यूज बैटरी वगैरह होता है, ठीक है ना, ये यूज कर रहे हैं। और अगर हम लोग कार्बाइड लैंप यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, कार्बाइड यूज होता है। तो बताया है कि अगर कार्बाइड लैंप माइंस में हम लोग यूज करते हैं ना, और वो लैंप अगर 156 ग्राम, 156 ग्राम कार्बाइड एक शिफ्ट में कंज्यूम कर लेता है, 156 ग्राम कार्बाइड पर शिफ्ट, तो उसके कारण कितना हीट रिलीज होता है, 96.5 जूल। ठीक है, 96.5 जूल पर सेकेंड हीट रिलीज होता है, ये कुक बताए हुए थे। इधर क्या बोल रहे हैं, हेलेडन क्या बताया हुआ है, हेलेडन ये बताया हुआ है ये इंटेक एयरवे हो गया, ठीक है, ये रिटर्न एयरवे हो गया। आप बोल रहे हैं कि इंटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 0.1% से डिक्रीज हो रहा है, 0.1% से डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो कितने डिग्री से हो रहा है, 7 केल्विन से या 7 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर का इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो C+O2 हो रहा है, ठीक है ना, तो CO2 रिलीज हो रहा है, CO भी रिलीज हो सकता है अगर इनकम्प्लीट कम्बसन होगा तो, और हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, इसके कारण क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। जो हीट रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि 7 केल्विन या 7 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है गौरव, एसओ देखो एक्चुअल में जो यूज होना चाहिए ना फ्लेम सेफ्टी लैब में, वो एसओ सॉल्वेंट एक होता है, वो यूज करना चाहिए। बाकी माइंस वाले बहुत सारे माइंस में क्या करते हैं, टेम्प्रोरी है ना, पेट्रोल केरोसिन बहुत सारा चीज यूज कर लेते हैं, लेकिन वो सब सारा रेगुलेशन के बाहर वाला चीज है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है जो समझा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, एसओ सॉल्वेंट 1425 नंबर का ये यूज होता है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट हो रहा है ये बताओ, क्योंकि पढ़ाने का तरीका सभी में फिर यही रहेगा, तो अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा होगा तो फिर कुछ तो क्लियर करना होगा ना, या कुछ तरीका चेंज करना होगा। क्लियर है सभी लोग? हाँ या ना बोलो, किसी को कुछ तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। और हिंदी में भी सभी लोग समझ में आ रहा है ना, कोई नहीं ना कि ऐसा कि जिसको इंग्लिश में ही समझ में
मतलब समझना है सिर्फ, ऐसा भी बोल दो ना, तो बीच में फिर क्या है, इंग्लिश का टर्म भी यूज करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्लास इसी तरीके से स्लो ही करते हैं तो ठीक रहेगा। और तुम लोग ये है कि देखो, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, देखो अभी जो भी पढ़ाए हुए हैं, ज्यादा तो पढ़ाए हुए नहीं है, तुरंत एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है, शाम होते होते एक बार जरूर रिवीजन कर लेना है कि फिर दोबारा भूल ना जाओ इजिली तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो लिखना भी है इसलिए। एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह तो कल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल जो आने का चांस है ना, वो साथ में न्यूमेरिकल भी रहेंगे। अच्छा ठीक है ना, ये नोट्स अभी अपलोड हो जाएगा तो वो देख लेना, ठीक है ना, नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा, डेली जो क्लास होगा ना, डेली क्लास का ये जो पीपीटी बना हुआ है ना, ये अपलोड कर दिया जाएगा, तो तुम लोग उसे नोट कर लेना अच्छे से। क्या बोल रहे हो, क्योंकि इन एफ एस एल बिकॉज इट इज हाईली वोलेटाइल स्पिरिट है, मतलब अकॉर्डिंग टू सीएमआर पेट्रोल सेल बी यूज्ड। ठीक है, अब एक क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, इधर फ्रॉम लोग हीट फ्रॉम मैन, ठीक है ना, अब है क्या है कि जो आदमी में वर्कर लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिपल के चेक कर लेंगे एक बार, ठीक ना। हाँ ठीक है ना, वो जो अभी हेलेडन स्टेट को जो बताया ना, कि ये क्या बताया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू बुक में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसमें ही है कि लॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल आने के चांस 99% मान के चलो कि इस टॉपिक से है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल ही गेट में भी आता है, और हो सकता है गेट वाला न्यूमेरिकल तुम लोग भी दे दे, ऐसा भी कर सकता है कोई, इसमें नई बात नहीं है, और साथ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग आंसर, ठीक है, गेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हीट फ्रॉम मैन, तो जो आदमी से कैसे हीट रिलीज होता है, कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है उसके बॉडी से कैसे हीट रिलीज होता है, तो क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हम लोग जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं, ठीक है ना, वो जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स वाट यू ईट एंड ड्रिंक इन टू द एनर्जी, ठीक है ना, तो ये जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस जगह पे भी मेटाबॉलिज्म के द्वारा रिलीज होता है हीट। और सेकेंड में क्या है कि अगर कोई आदमी रेस्ट बैठा हो, आराम भी कर रहा है ना, तो फिर भी वो हीट रिलीज करता है, तो क्या है, इवन ए मैन एट रेस्ट प्रोड्यूसेज क्वाइट एन एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ हीट बाय बेसल मेटाबोलिज्म, बाय बेसल मोटा मेटाबोलिज्म। ये क्या होता है कि अगर आदमी रेस्ट में है, फिर भी तो उसको तो श्वास लेना ही है ना, उसके शरीर को तो नॉर्मल जो गर्म जितना जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, कितना, 37.7 डिग्री सेल्सियस एप्रोक्स, उसको 37 डिग्री भी कंसिडर कर लेते हैं, ये जो होता है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है, श्वास भी लेना है, आराम भी कराती है, दोनों प्रोसेस तो चल ही रहा है, तो उस केस में भी हीट रिलीज होता है, तो वो जो हीट रिलीज होता है वो बेसल मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है, और जिस रेट से हीट रिलीज होता है वो बेसल मेटाबोलिक रेट होता है, ठीक है, द रेट एट विच द बॉडी यूजेज एनर्जी वाइल एट रेस्ट टू मेंटेन वाइटल फंक्शन सच इज ब्रीदिंग एंड कीपिंग वार।
तो वैसल मेटाबॉलिज्म के कारण भी अगर आदमी रेस्ट में है तो वो भी हीट रिलीज करता है, और मेटाबॉलिज्म के कारण जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो एनर्जी में रिलीज होता कन्वर्ट होता है। तो एक ये जो रिसर्चर था वीक्स, ये क्या एस्टिमेट किया है कि ये जो बेसल मेटाबॉलिज्म है ना, इसके द्वारा 1 मीटर स्क्वायर, अगर बॉडी का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उस केस में 46.5 वाट एनर्जी रिलीज होता है। 46.5 जूल पर सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ पर्सन का, बॉडी का जो है ना सरफेस एरिया क्या है उसके अनुसार अगर कोई आदमी रेस्ट में भी है ना, मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, रेस्ट में आदमी है तो जो रेस्ट में हो के भी कितना एनर्जी रिलीज होता है, 46.5 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 46.5 जूल 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया अगर रहा तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो इसी में एस्टिमेट किया गया है कि एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग बॉडी का, किसी भी पर्सन के शरीर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्या है, 0.2024 मास रहेगा केजी में, का पावर 0.425 इंटू हाइट का पावर 0.725। हाइट किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, बोर्ड मास किस में रहेगा, केजी में रहेगा, और ये जो सरफेस एरिया निकलेगा इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी आदमी का हम लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तुम लोग भी अपना सबका खुद का निकाल सकते हो। मास अपना दे दो, हाइट मीटर में यहाँ लिख दो, तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ से। तो जब रेस्ट में भी रहोगे ना तो उस केस में एक मतलब कितना हीट रिलीज होगा वो तुम लोग सभी लोग खुद का अपना कैलकुलेट कर सकते हो। वीक वीक ये बताया हुआ था, ड्यू बॉयस करके ये जो रिसर्चर था वो ये बताया हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला पे बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल, वैसे देना नहीं चाहिए, हो सकता है तुम लोग क्लास टेस्ट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन मिल देखने को मिल जाए, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो एवरेज मैन होता है ना उसका जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का वो 1.8 to 1.9 मीटर स्क्वायर होता है। इसके द्वारा क्या हो जाता है, उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 84 to 88 वाट तक चला जाता है। अब एक थर्ड पर्सन आया, रिसर्चर आया है विंधम, वो क्या रिसर्च किया है, वो क्या है कि अगर कोई आदमी लाइट वर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत कुछ हल्का काम कर रहा है, कोई मॉडरेट वर्क कर रहा है और कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उस केस में कितना हीट रिलीज हो रहा है, 1 स्क्वायर मीटर अगर सरफेस एरिया है उसके बॉडी का तो कितना हीट रिलीज हो रहा है। तो क्या है, लाइट वर्क, विंच ड्राइविंग का अगर कोई काम कर रहा है ना तो 90 वाट रिलीज हो रहा है, अगर कोई मॉडरेट वर्क कर रहा है स्वीपिंग मतलब कोई झाड़ू वगैरह लगा रहा है, कोई फिटिंग कुछ कर रहा है काम, तो उस केस में 180 वाट पर स्क्वायर मीटर इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। और अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे होता है ना अंडरग्राउंड माइन इसमें ट्रामिंग का ट्रामर का कोई काम कर रहा है, जो टब आना जाना हो, जैसे मान लो टब है, ठीक है ना, ये टब हो गया अंडरग्राउंड माइंस का, ये ट्रेक लाइन है, इधर मान लो ये ड्रम हो गया, ठीक है ना, ये रोप है यहाँ लगा हुआ है, टब से ये रोप अटैच है मान लो, ठीक है ना। तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे जो ट्रामर किसको बोला जाता है, अब क्या बोला था, अंडरग्राउंड माइन में जो काम किया हुआ है ना कि रोप को यहाँ से डी अटैच किया, ठीक है ना, रोप को डी अटैच किया, या जो अटैच कर रहा है रोप को टब से, या टब को जो अंडरग्राउंड में भेज रहा है, ठीक है ना, वो मेनली ट्रामर उसको बोला जाता है, जो जो भी आदमी ट्रामिंग वगैरह काम कर रहा है, या सोवेलिंग। सोवेलिंग क्या हो गया, एक होता है ना बेलचा टाइप से, मान लो रेल का इंजन में पहले नहीं डाला जाता था, कोयला कैसे डाला जाता था, कैसे करके हैंडल लगा हुआ रहा, तो वो जो कोई मैनुअल जो लोडिंग कर रहा है कोयला टब वगैरह में, जो हार्ड वर्क हो गया तो उस केस में क्या होता है, जो हीट रिलीज होता है सरफेस से वो 270 वाट रिलीज होता है। ये हो गया हीट रिलीज फ्रॉम ए पर्सन, या हीट रिलीज फ्रॉम मैन से कितना हीट रिलीज होता है। हाँ, बेल्ट क्लीनिंग में मान लो मैनुअल लोडिंग होता था ना अंडरग्राउंड माइन से, मैनुअल लोडिंग,
तो उस केस में भी ये जो सोवेल होता है उसके द्वारा भी हम लोग मतलब वर्कर लोग लोडिंग करता था, जिसको बेलचा बोला जाता है। बहुत लोग जो से इधर के होगा उसको टर्म पता होगा, बेलचा टाइप से, ठीक है ना, बेलचा। तो ये हो गया तुम लोग का हिट फ्रॉम मेन, कितना हिट रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पे फिर समाप्त करते हैं। कल प्रोड्यूस्ड हीट प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी पढ़ाया जाएगा, और रॉक से जो हीट रिलीज हो रहा है, ऑटो कंप्रेशन जो जो बचा हुआ है वो कल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है कुछ बच जाए तो फिर नेक्स्ट डे पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, ये जीबी मिश्रा से ही है, डीजे देशमुख वगैरह में नहीं है, कुछ जीबी मिश्रा से है, और कुछ अभी जो कल पढ़ाएंगे ना वो रिसर्च पेपर वगैरह से भी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, रिवीजन कर लेना। कुछ डाउट होता है तो ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वहाँ पे पूछ लेना, पीडीएफ अभी अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है ना, वो डेली वैसे क्लास टेस्ट तुम लोग अभी है कि सिलेबस जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ना, 15 दिन 20 दिन से हो जाएगा, तो फिर है कि डेली कुछ ना कुछ टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हो सकता है क्लास एंड होगा ना, 5-10 मिनट के बाद ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, रिवीजन कर लेना अच्छे से सभी लोग।